Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. एक बार मैं अपनी चाय पी लू फिर हम काम शुरू करते हैं जब भी ऐसा हमें कहना होता है ना फिर हम काम शुरू करते हैं फिर हम काम को शुरू करेंगे जो भी हमें करना है वो करेंगे एक ईडीएम आप देखिए वंस आई हैव माई टी वी विल गेट द बॉल रोलिंग सेट द बॉल रोलिंग इफ यू गेट द बॉल रोलिंग इट मीन्स यू स्टार्ट which you गेट डाउन टू बिजनेस Once यू स्टार्ट my टी वी विल get द बॉल रोलिंग जैसे कोई भी काम हो सकता है जैसे कि हमें कोई फॉर्म वॉर्म भरना है एक बार चाय पी लेते हैं फिर अपना काम शुरू करते हैं विल कैट द बॉल रोलिंग लुक एट अनदर एग्जाम्पल आप पैसे नहीं दोगे तो मैं काम शुरू कैसे कर सकता हूँ आप पैसे जमा करा दो पहले फिर मैं आपका फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है आपको उसके लिए फिर कार्यवाही शुरू करता हूँ आगे की काम शुरू करता हूँ हाउ केन आई गेट द बॉल रोलिंग अनलेस यू गिव मी द मनी अनैस यू गिव मे द मनी अगर पैसे नहीं दोगे मुझे हाउ केन आई गेट द बॉल रोलिंग और हाउ केन आई सेट द बॉल और स्टार्ट द बॉल रोलिंग मतलब मैं शुरुआत कैसे कर सकता हूँ आप कोशिश करना गेट द बॉल रोलिंग को अपने कॉन्वर्सेशंस में इंक्लूड करने की क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है एडियम उसने खोद खोद के मुझसे सच निकलवा लिया कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम तहकीकात करके पूरे अच्छे से एकदम डिटेल में छुप नहीं होता है कोई मानता ही नहीं है एकदम गहराई में पूछता है कोई बात तो उसने खोद खोद के मुझसे सच निकलवा लिया इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ही प्राइड द ट्रूथ आउट ऑफ मी ही प्राइड द ट्रूथ आउट ऑफ मी प्राइड द ट्रूथ यानी सच को उसने खोद खोद के निकलवा लिया प्राय का मतलब होता है किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश करना ये जानना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं किसी चीज़ को जानने की कोशिश करना यानी उसे प्राय करना इसको कुछ और सेंटेंसेस में देखिए आई डिडंट मीन टू प्राय जैसे कि आप किसी से कुछ पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं और फिर आपको लगा अरे कहीं इसको बुरा ना लग गया हो आप बोल सकते हो एम सॉरी आई डिडेंट मीन टू प्राय यानी मेरा मकसद कोई आ, आपकी जिंदगी में टांगड़ाने का नहीं था ही कीप्स प्राइंग इंट अदर पीपल्स लाइफ्स वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में टांगड़ाता रहता है पर्सनल क्वेश्चन पूछता रहता है ताक झाक करता रहता है ही कीप्स प्राइंग इंट अदर पीपल्स लाइफ्स ही डजेंट स्टॉप प्राइंग इंटर माई लाइफ मेरी जिंदगी में वो हमेशा टांग अड़ाता है मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ किससे मिल रहा हूँ ही डजेंट स्टॉप प्राइंग इन ट माई लाइफ आई थिंक नाउ यू नो हाउ टू यूज प्राई इन योर सेंटेंसेस तब मुझे फट से याद आया कि मैंने पैसे कुर्सी पर रखे थे ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है जब भी आपको ऐसा कहना होता है कि फिर मुझे फट से कुछ याद आया या मुझे कुछ एहसास हुआ बहुत एक कॉमनली यूज होने वाला फ्रेज़ है इट हिट मी देन इट हिट मी आई हैड पुट द मनी ऑन द चेयर इट हिट मी जब भी आप कहते हो ना, मुझे फिर याद आया फिर मुझे एहसास हुआ इट हिट मी काफी कॉमनली ऐसे बोला जाता है आई हैव हर्ड दिस इन मैनी मूवीज एंड शोज देन इट हिट मी यानी फिर मुझे याद आया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ पहले तो मैं सोच रहा था अरे कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ दैट्स वैन इट हिट मी दैट आई हैड कॉर इन ट्रबल कोर्स इससे पहले कोई और सिचुएशन आप बताएंगे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था उसके बाद जाके फिर मुझे एहसास हुआ दैट्स इट हिट मी आई हैड गॉट इन ट्रबल कि मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ दैट्स इट हिट मी तब जाके मुझे एहसास हुआ उसने पेपर मेरे में से निकल मार के दिया है एग्जाम में किसी की शीट में से चीट करके लिखने को क्या कहते हैं कॉपी ऑफ ही हैज़ कॉपीड ऑफ मी या फिर ही हैज़ कॉपीड ऑफ माई शीट और कॉपीड ऑफ मी फ्रॉम भी लगा सकते हैं ही हैज़ कॉपीड फ्रॉम मी और फ्रॉम माई शीट दूसरों के पेपर में से नकल मार के तो कोई भी पास हो सकता है एनी वन कैन पास द एग्जाम बाई कापिंग ऑफ अदर पीपल मैंने पहले ही आपको बहुत तकलीफ़ दी है जैसे कि हम ऐसे कहते हैं ना हम किसी के घर पे रुक गए फॉर एग्जाम्पल और मैं कह रहा हूँ अरे पहले ही दो दिन मैं आपके घर रुक चुका हूँ पहले ही आपको बहुत तकलीफ दे चुका हूँ या आपने किसी से कुछ काम करवाया है या आपकी वजह से किसी को असुविधा हुई है तो आप कहते हैं ना आपको बहुत तकलीफ दी है मैंने पहले ही आई हैव ऑलरेडी पुट यू आउट टू मच पुट यू आउट आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव ऑलरेडी बॉदर्ड यू टू मच कि पहले ही आपको बहुत बॉदर किया है पहले ही आपको मैंने बहुत असुविधा दी है यहाँ पर आप इनकन्वीनियंस का भी यूज़ कर सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स एज अ वर्ब यूज़ हो सकता है आई हैव ऑलरेडी इनकन्वीनियंस यू आई हैव ऑलरेडी इनकन्वीनियंस यू टू मच कि पहले ही मैंने आपको बहुत असुविधा दी है आपको तकलीफ दी है लेकिन बहुत कॉमनली यूज होने वाला एक सिंपल फ्रेजल वर्ब है जो आप इसको रिप्लेस करके बोल सकते हैं और इम्प्रेसिव साउंड कर सकते हैं इतने बड़े वर्ड को बोलने की ज़रूरत नहीं है आई हैव ऑलरेडी पुट यू आउट टू मच इफ़ यू पुट सम आउट इट मीन्स यू बॉदर दैम यू गिव दैम ट्रबल और यू कॉज दैम ट्रबल मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था इसलिए मैंने आपसे मदद नहीं मांगी आई डिडन वॉन्ट टू पुट यू आउट सो आई डिटन आस्क यू फॉर हेल्प आई होप दैट now यू नो हाउ to यूज़ पुट someone आउट तुम कब तक मन में मुझसे बैर रखोगे कब तक अपने मन में मेरे लिए बैर रखोगे मेरे लिए शिकायत रखोगे जो मुझसे गलती हो गई अब माफ़ कर दो कब तक बैर रखोगे हाउ लॉन्ग विल यू होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट मी हाउ लॉन्ग विल यू हैव अ ग्रज अगेंस्ट मी ग्रज यानी वो फीलिंग कि हम किसी चीज़ से नाराज़ हैं हमें शिकायत है किसी से तो मतलब उस फीलिंग को ग्रज कहते हैं सो हाउ लॉन्ग विल यू होल्ड अ ग्रज और कैरी अ ग्रज है तुमसे कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है आई होल्ड नो ग्रज अगेंस्ट यू और आई you। क्या मिल रहा है तुम्हें? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया कभी कभी कोई बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा होता है बहुत अजीब व्यवहार कर रहा होता है फिर हम बोलते हैं आखिर क्या हो रहा है माजरा क्या है वॉट गिवस वाई डिडेंट यू पिक अप माई फोन वट गिव्स इसको बोला जाता है आई जस्ट हर्ड दिस इन वन ऑफ द मूवीज आई जस्ट वॉच्ड व्हाट गिव्स इसकी जगह आप कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग यानी क्या माज रहा है हो क्या रहा है आखिर व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स द प्रॉब्लम वॉट्स हैपनिंग वाट्स गोइंग ऑन वट गिवस अप माई फोन अनदर एग्जाम्पल वॉट गिवस वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो वॉट गिव्स What gives? Where did electricity go out? What gives? Why didn't you come to my birthday party? क्या हो रहा है आखिर क्या मिल रहा है तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे मेरे बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए सो आई थिंक नाव यू नो हाउ टू यूज वाट गिव्स तेरा जोड़ीदार कहाँ है आज तेरा ख़ास दोस्त कहाँ है आज कभी कभी ऐसा होता है ना कोई दोस्त होते हैं इतने पक्के हमेशा साथ ही में रहते हैं और कभी वो साथ में ना मिले तो हम बोलते हैं आज तेरा ख़ास दोस्त कहाँ गया वेर इज़ योर साइड किक टुडे साइड केक जी हाँ फ्रेंड्स तेरे चेले दिखाई नहीं दे रहे आज कहीं चेले भी हम कहते हैं मतलब कि ऐसे दोस्त जो आपकी सुनते हैं आपकी बात मानते हैं आपके साथ साथ रहते हैं उन्हें चेले कह देते हैं ऐसे इनफॉर्मली इंग्लिश में कह सकते हैं साइड किक्स योर साइड केक्स आर एंड अराउंड टुडे यानी आज इधर उधर नहीं है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे योर साइड केक्स आर अराउंड टू साइड इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर सच पीपल सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा है इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सो so फ्रेंड्स बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केयर एंड बाय